कंट्रोल शिवानी कंट्रोल बस करो बस करो प्लीज बस करो यार

डेफिनेटली चेकआउट लव ब्यूटी एंड प्लानेट के हेयर केयर प्रोडक्टर था आई थिंक दो तीन महीने पहले यूज किया था उसके बाद खत्म हो गया था स्टार्टेड यूजिंगल विनेगर वाला रेंज अब वो भी इतना इतना रह गया जस्ट कंडीशनर इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस इफ यू वॉन्ट दैट टू वॉल्यूम एंड बाउंस इन योर हेयर इफ यू हैव थि हेयर डेफिनेटली गिव दिस कॉम्बो ऑर ट्राई एंड आई वुड सजेस्ट यू की आप जिस ब्रांड का शैम्पू यूज करते हो उसी ब्रांड का कंडिशनर यूज किया करो फॉर बेटर रिजल्ट वॉज ओनली हेयर केयर प्रोडक्ट कुछ भी स्किन केयर नहीं मंगवाया मैं मैंने एंड काफी सारा मेकअप मंगवाया है इस बार एंड मोस्ट ऑफ द मेकअप प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम शुगर इट्स लाइक अंसिडेंट मुझे ऑर्डर प्लेस करने सेवडर फ्रॉम मेबली इट इज अब फिटमी लूज फिनिशिंग पाउडर एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक नाउ आई हेव हर्ड सच ग्रेट रिव्यूज अब दिस लूज पाउडर दिस ऑलवेज यूज टू बी माई विशेष फर्स्ट ऑफ ऑल एस शेड ट्वेंटी फाइव मीडियम नाउ मैंने आज यूज किया है एंड ओ माई गॉड दिस इज सच अ गुड लूज पाउडर दिस इज लाइक वेरी फाइनली मिल्ड वेरी स्मूद एंड इतना अच्छे से इसने मेरा बेस सेट कर दिया है मतलब मैंने इतना लेट क्यों डिस्कवर करा ना इसको आई हैव नो क्लूज इफ यू लुकिंग फॉर अ नाइस लूज पाउडर अंडर अ बजट डेफिनेटली गिव दिस वन और ट्राई बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद द हॉल जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू गाइज नो दैट दर इज अ कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन गोइंग ऑन मेरे साथ वाले घर में एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज्यादा ठक 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 नॉइज है आज से ही स्टार्ट हुआ है एंड आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट सो प्लीज इग्नोर दैट ठक ठक नॉइज जस्ट फॉर दिस वीडियो कलर टाइम पे बैठ गए वीडियो बनाने बट नाउ आई कैंटली हेल्प इट सो या नेक्स्ट स्टेप आई एक्चुअली गॉट अ ब्रॉन्जर सो मुझको और ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन में नाजर और एक्सप्लोर करने थे ट्राई करने थे ताकि मैं आपको कभी रेकमेंड कर सकू अगर मुझे अच्छा लगे तो सो विच इज वाई आई गॉट दिस कलर अस ब्रॉन्जर एंड दिस इज द मैट स्कल्पिंग ब्रॉन्जर तो इस तरह की पैकेजिंग में आया था गाइस एंड गेस्ट वॉट ये वैसे तो ऑलरेडी इतना अफोर्डेबल है इसके साथ मुझको ये पफ फ्री मिल गए मतलब कैसे ऐसे आई डोंट नो बट ये ऐसे सेट ऑफ टू पार्प फ्री मिले हैं यानी कॉन्टो पर्पस के लिए ब्रॉन्जिंग पर्पज के लिए काफी यूजफुल पार्पस हैं इनकी क्वालिटी इज ऑल्सो डिसेंट एंडल जस्ट शो यू द ब्रॉन्जर नाउ ये बहुत ही ज्यादा प्यारा शेड है मतलब बहुत प्यारा लगता है एंड इट्स जस्ट नो गो ऑन फेयर स्किन टोन्स फेयर टू मीडियम वीटिश बट इफ यू आर डीपर स्किन टोन ऑल इज स्किन टोन आई डोंट थिंक इट्स गोन शो अप ऑन योर स्किन टोन इसका शेड देखने में ऐसा लग रहा होगा कि कॉम्पैक्ट पाउडर है बट ट्रस्ट मी दिस इज अ ब्यूटिफुल वॉर्म टोन्ड ब्रॉन्जर एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक आई जस्ट सो वॉच इट फॉर यू गाइज आई होप यू कैन सी मतलब इतना प्यारा लग रहा है मेरे स्किन पे, मैंने आज इसको यूज किया है एंड आई थिंक इट जस्ट लुक्स वेरी वेरी नेचुरल इज के इस प्रोडक्ट में काफी सारा किकबैक होता है ओनली इश्यू आई फेस एंड ऑल्सो इसका हल्का सा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है बट इफ आई हैबाउट देशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मैट ब्रॉन्जर इसका फॉर्मुलेशन वगैरह बहुत अमेजिंग है आई लव हाउ ब्यूटिफुली एफर्टलेसली इट ब्लेन इन टू द स्किन नेक्स्ट टू ट्राई अ व्हाइट कोल ऐसा नहीं कि मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किए किए हुए हैं बट मुझको और कुछ अफोर्डेबल ऑप्शन चेकआउट करने थे सो विच इज वाई आई गॉट द स्विस ब्यूटी इंटेंस जेल काजल एंड ये व्हाइट कोल है टॉकिंग अबाउट द फॉर्मुलेशन इट ग्लाइड्स ऑन वेरी वेरी स्मूथली वेरी एफर्टलेसली एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक इट हैज छोटे छोटे हल्के हल्के ना शिमो पार्टिकल्स बट दे आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट बट मुझे इसकी फिनिश बहुत अच्छी लगती है इट इज नॉट कम्पलीटली मैट ऑफ हल्का सा इसमें शाइन है

में रहता था ये सो दिस इज अ फेस फॉरवर्ड करेक्टर स्टिक इन देड जीरो टू ऑनवर्ड ऑरेंज दिसक ग्रीम कलर करेक्टर ऑरेंज करेक्टर एंड आई जस्ट रियली लाइक देशन मतलब मैंने हल्का सा इसको लगा के देखा था एंड इतने अच्छे से स्प्रेड हो जाता है आई मीन जस्ट लुक एट दैट बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है एंड काफी अच्छी कवरेज है इसकी इट वेरी वेरी पिगमेंटेड एज वेल आई थिंक दिस इज डेफिनेटली समथिंग विच यू हैव टू ट्राई इफ यू आर इन टू कलर करेक्शन इफ यू हैव लाइक पिगमेंटेड एरिया

ब्यूटिफुल ब्राइट रेड आई एम नॉट यूजली इन टू ब्राइट रेड मुझको वो लाइक डीप मरून एंड लाइक डार्क रेड्स पसंद है ब्लड रेड काइंड ऑफ लिपस्टिक वेरी वेरी ब्यूटिफुल गाय दिस इज वॉट द ब्यूटिफुल्स लाइक एबसल्यूटली लाव द फॉर्मुलशन इट्स वेरी कंफर्टेबल ऑन द लिप्स उतना लंबे टाइम के लिए नहीं टिकती है बिकॉज इट्स लाइक अ क्रीमी मैट फॉर्मुलेशन बहुत ज्यादा लाइट वेट है ना सो आपको फील नहीं होगा दैट यू आर वेरिंग अ लिपस्टिक ऑन यूर लिप्स इट्स दैट लाइट वेट एंड मुझको इसकी पैकेजिंग भी बहुत ज्यादा पसंद है

So this is the Arc Arrival Brow Definer from Sugar in the shade 02 Top Tom. Top Tom. Ne no, sorry. Top Top Tom. Okay. <laughs> top टॉम ओके दिस इज लाइक अ रियली नाइस आईब्रो पेंसिल सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा एंगुलर सा आईब्रो प्रोडक्ट दिया हुआ है विच इज लाइक अ ग्रेश ब्राउन मेक स्ट्रोक में उतना ज्यादा पिगमेंटेशन पता नहीं चलता है बट दिस इज द एक्चुअल पिगमेंटेशन आई थिंक अगेन समथिंग विच मैचेस माई आईब्रो कल ऑफ परफेक्टली एंड देन ऑन द अदर साइड यू गेट अ स्पूली लाइक दिस सो अगेन समथिंग रियली नाइस टू ब्रश अप योर आईब्रोज यू कैन बिल्ड अप द पिगमेंटेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड यू आर वेरी वेरी हैंडी इट इज रियली नाइस वेरी गुड फॉम्यूलेशन ओवरऑल All. So, that's the eyebrow pencil from Sugar. Again, if you're looking for an eyebrow pencil under 500 rupees, I guess. Yeah, it is under 500 if I'm not wrong. So, you can definitely check out this one. And the last product for this video is the Sugar Cosmetics Blend Trend Dual Face Brush. This is like a powder plus foundation brush. Dual brush, of course. So, I have a for it. And this is quality. This side, we have this powder brush. Okay, the bristles are so soft such good quality bristles i am impressed this is the first time i'm trying a makeup brush from sugar and i love it and those three we have this foundation brush सो so, ये भी काफी ज्यादा स्मूद है एंड द ब्रिसल्स आर वेरी वेरी नाइस आई मीन वेरी नाइस वेरी गुड क्वालिटी काफी लक्स यू नो लग रहा है मुझको ये मेकअप ब्रश एंड आई गेस द ओनली इश्यू विद दिस ब्रश वुड बी कि इसको स्टोर कैसे करें इसको ऐसे रखें यू नो ब्रश होल्डर में ऐसे रखें क्योंकि दोनों तरफ ही ब्रशेज हैं तो ऐसे लिटा के रख लो मतलब मैं तो ऐसे रखने वाली हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट के यू you नो know, कहीं से भी किसी का भी ब्रिसल स्पॉइल हो एंड विद आई कम्पलीट माई एमेजॉन ब्यूटी हॉल आई रियली होप यू गाइज लाइक द हॉल अगर आपको कुछ भी चेकआउट करना है आज के हॉल में से सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक्स वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर यू गाइज एंड इस बार मैंने बहुत सोच समझ के शॉपिंग की है वही वही चीजें मंगवाई हैं जो मुझे या तो ट्राई करने का बहुत मन था या फिर मुझे जनवरी नीड थी उस you प्रोडक्ट know, की इफ यू एंजॉयड द हॉल इफ यू फाउंड द हॉल हेल्पफुल देन प्लीज मेक यू अ बिग थम्स अप प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इन केस यू गाइज लाइक टू कनेक्ट विद मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स आई एम गुड लीव ऑल द लिंक्स फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एज ऑलवेज एंड यस आई सी यू नेक्स्ट टाइम टिल देन यू ऑल पीज Stay safe, stay positive and be kind to yourself and others. Bye bye.